ਘਰਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬੰਦੋ ਸ਼ਰਧਾ ਮੂਰਤੀ ਦੇਵੀਓ ਸਤਿਗੁਰ ਕਬੀਰ ਕੀ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਹੈ ਮੂਆ ਹੈ ਮਰ ਜਾਓਗੇ ਮੂਏ ਕੀ ਬਾਜੀ ਢੋਲ ਸਪਨ ਸਨੇਹੀ ਜਗ ਭਇਆ ਸਹਿਦਾਨੀ ਰਹੇਗਾ ਬੋਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਤੇ ਹੈ पहले के लोग मर मर कर इस दुनिया से चले गए हैं। आजकल में तुम्हारी भी मौत हो जाएगी और तुम भी यहाँ से चले जाओगे। इस जीवन में जो तुम्हें मिला हुआ है, जिन प्राणी पदार्थों के मोह और लोभ में पड़कर तुम भूले हुए हो, उन प्राणियों पदार्थों का संग साथ वैसा ही है जैसे सपने में अनेक मित्र मिलते हैं और उन मित्रों से बड़ा मोह होता है, लेकिन जागने पर सब के सब बिछुड़ जाते हैं। ऐसे ही जो आज तुम्हें मिले हुए हैं, एक दिन वे सब भी बिछुड़ जाएंगे। न तुम्हारे साथ कुछ जाएगा और न यहां से जाने के पश्चात तुम उनकी याद कर पाओगे। तुम्हारे न रहने पर तुम्हारे पीछे क्या चीज बचेगी? तुम्हारे अच्छे बुरे कर्मों की चर्चा लोग करेंगे। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छी चर्चा होगी, आदरपूर्वक तुम्हारा नाम लोग लेंगे। बुरे कर्म करके शरीर छोड़ोगे तो बुरी चर्चा होगी, अपमानपूर्वक तुम्हारा नाम लोग लेंगे। हर आदमी ये सोचता है कि संसार में मैं कुछ दिन और अधिक जी लूं। जितना जीवन आदमी को मिलता है, कभी कोई आदमी उसमें संतुष्ट नहीं होता। और जीने की चाहना और जीने की लालसा मन में बनी ही रहती है। यहां तक देखा गया है जो लोग वर्षों से बिस्तर पर पड़े हुए हैं, जिन्हें असाध्य रोग लग गया है और अब जिनके रोग को दूर होने की कोई संभावना नहीं है, जो लोग बिल्कुल जर्जर हो गए हैं बुढ़ापे के कारण, शक्तिहीनता के कारण, जिन लोगों को अपने शरीर का काम करना मुश्किल हो गया है, ऐसे लोगों के मन में भी अभी और जीने की लालसा बनी रहती है। प्रत्यक्ष दुख भोग रहे हैं, अपना शरीर अपने बस में नहीं रह गया है, फिर भी जीने की लालसा दूर नहीं होती। मौत नाम सुनते ही आदमी घबराता है, जहां तक हो सकता है बचने की कोशिश करता है, लेकिन चाहे जितनी कोशिश की जाए मौत के दिन आना ही आना है। इसका मतलब यह नहीं है कि मौत से बचने की कोशिश ना करें, शरीर में रोग लग जाए तो दवाई ना करें, या रास्ता चले तो असावधानी पूर्वक आंख बंद करके जैसे तैसे चले, कुएं खाए में कूद जाए, ऐसा नहीं है। सावधानी पूर्वक तो चलना है, सावधानी पूर्वक काम करना है, लेकिन मौत से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो तो जब आएगी तब आ जाएगी।
और एक दिन आना ही आना है, ये पक्का है। कोई आदमी आज तक दुनिया में बचा कहां है? इसी पर साहब कहते हैं कि मोआ है, पहले के लोगों को सोचो, इस दुनिया में तुम्हें अकेले आदमी नहीं हो, तुम्हारे पहले भी, और दुनिया में आज जो लोग हैं इन लोगों के बहुत पहले से लोग इस दुनिया में होते रहे हैं, अनादिकाल से लोग होते रहे हैं। कभी ऐसा समय नहीं था जब इस दुनिया में इंसान न रहा होगा, सब समय दुनिया में इंसान रहा है। लेकिन सोचो आज वे कहां रह गए हैं, आज तो उनका नाम निशान भी नहीं रह गया है, उनके बारे में हम कुछ जानते ही नहीं हैं। कुछ लोग ही ऐसे हैं जिनका नाम इतिहास में चल रहा है बस, और हो सकता है ऐसा भी समय आ जाए आज से 1000-2000-4000 साल पश्चात, आज जिनका नाम हम इतिहास में पढ़ते हैं सुनते हैं, इन सारे नामों को लोग भूल जाएंगे, फिर किसी नाम किसी अन्य लोगों की याद करेंगे। इस संसार में स्थायी रूप से कौन रहने आया है? प्रकृति का नियम सबके लिए एक बराबर है, राजा हो रंक हो, धनी हो निर्धन हो, विद्वान हो अविद्वान हो, साधु हो गृहस्थ हो, सबके लिए एक बराबर नियम है, सबको यहाँ से जाना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से केवल गरीब लोग जाएंगे, जो धनवान है वे नहीं जाएंगे, प्रजा जाएगी राजा यहाँ से नहीं जाएगा, अनपढ़ जाएंगे विद्वान यहाँ से नहीं जाएंगे, गृहस्थ जाएंगे साधु यहाँ से नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं है, सबको जाना है, सबके लिए नियम एक बराबर है। किसी की मौत होती है और यदि वह आदमी हमारा प्रियजन हो, निकट का संबंधी हो, तो हमें दुख होता है, बड़ी व्याकुलता होती है और हम विलाप भी करते हैं, रोते भी हैं, सर भी पटकते हैं। लेकिन इस प्रकृति के नियम को हम समझ लें तो दुखी होने रोने और विलाप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा यदि होता कि संसार में कुछ लोग तो सदैव जीवित रहते और कुछ लोगों की मौत हो जाती, तब तो विषय चिंता का होता कि भाई देखो भाई अमुक अमुक लोग तो सदैव जीवित हैं और अमुक अमुक आदमी ने कैसा कौन सा अपराध किया कि उनकी मौत हो गई। यहां तो नियम सबके लिए एक बराबर है। तो साहब कहते हैं पहले के लोगों के सोच के बारे में सोचो, आज भी कहां रह गए हैं, उनका नाम निशान भी नहीं है, उनके बारे में कुछ जानते नहीं है। बड़े बड़े लोग चक्रवर्ती सम्राट भी आए, गए बेन बलि गए कंस, दुर्योधन को बूढ़ो वंश, पृथु गए पृथ्वी के राव, त्रिविक्रम गए रहे ना काव, छौ चकवे मंडली के झार, अजू हो नर देख विचार, हनुमत कश्यप जनक बाल, ये सब छेकल यम के द्वार। साहब कहते हैं इन पंक्तियों में बड़े बड़े नाम लोगों को लेकर के, गए बेन बलि गए कंस, बेन चले गए, बलि चले गए, कंस चले गए, दुर्योधन का तो वंश ही डूब गया, पृथु जो चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता है वे चले गए, त्रिविक्रम वामन जिन्होंने पृथ्वी को तीन पग में नाप लिया था ऐसे जिसके बारे में कहा जाता है वे चले गए, हनुमान जनक कश्यप बाली, बड़े बड़े धुरंधर विद्वान, बड़े बड़े योद्धा, वे सब चले गए। सार आगे कहते हैं और अन्य कहते हैं, गए राम गए लक्ष्मणा, संग न गई सीता ऐसी धना, जात कौरवे लागु न बारा, गए भोज जिन साजल धारा, गए पांडव कुंता अशिरानी, गए सहदेव जिन बुद्धिमति ठानी। साहब कहते राम चले गए, लक्ष्मण चले गए, सीता चली गई,
कृष्ण चले गए, और जिनको भी जितने भी नाम ले लें सब बड़े बड़े चिकलान वाले चले गए। आज कहाँ हैं? आज उनके केवल नाम शेष हैं। साहब कहते हैं ऐसे बड़े बड़े लोग जब चले गए तब तुम्हें भी तो जिस दिन जाना होगा। साहब कहते इसलिए मुआ है पहले के लोग इस संसार से एक एक करके खिसकते चले गए। कोई स्थिर रहने वाला स्थायी रहने वाला यहां नहीं है। मरी जाओगे साहब कहते तुम भी एक दिन इसी प्रकार संसार से विदा हो जाओगे। हर आदमी ये सोचता है कि वे लोग मर गए तो मर गए, मैं भी जल्दी थोड़े मरूंगा। अपने लिए आदमी विश्वास नहीं करता। हम रात दिन देख रहे हैं, जब से हमने होश संभाला है तब से हम देख रहे हैं इस संसार से जर्जर वृद्धि नहीं, परलोक भी जा रहे हैं, अधेड़ जा रहे हैं, जवान जा रहे हैं, किशोर जा रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं, शिशु जा रहे हैं। किसी भी उम्र में शरीर तो छूट सकता है और छूट ही रहा है, लेकिन आदमी अपने लिए विश्वास नहीं करता। सोचता भी मैं थोड़े मरूंगा, सब मर गए तो मर गए। एक युवक था, सच्ची घटना है, जब इस प्रकार की कोई बात आए तो वो प्राय कहा करता था, लोग कहते हैं मर जाओगे मर जाओगे, अरे कैसे मरेंगे, जब मरने का समय आएगा तो हम बिस्तर से उठ करके बैठ जाएंगे, मरेंगे कैसे हम, देखना मौत आएगी तो मैं पछाड़ दूंगा उसको। यो अवस्था, सुंदर शरीर, शरीर में बल, बाहरी जो ऐश्वर्य कहा जाता है वो है उन सबसे संपन्न, तो इन सब का उसे ऐसा अहंकार था, वो सोचता था, वो ये बार बार कहता था लोग कैसे कहते हैं कि मर जाओगे, मौत आएगी तो मैं बिस्तर से उठ करके के बैठ जाऊंगा, मौत मेरी क्या बिगाड़ेगी। इस प्रकार से प्राय अहंकार भरी बातें किया करता था। थोड़े दिनों के पश्चात वो बीमार पड़ा और एक डेढ़ महीने की बीमारी में ही उसकी मौत हो गई। तब लोगों ने कहा अब इसे कैसे पूछा पूछे भैया तुम कैसे मर गए। तो साहब कहते हैं जैसे पहले के लोग यहां से एक एक करके खिसक गए चले गए, ऐसे तुम भी एक दिन यहां से चले जाओगे। हम इसकी याद नहीं करते, हम इस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं। वैसे आदमी मौत नाम सुनकर ही घबराता है, मौत से भयभीत रहता है हमेशा, मौत की याद नहीं करना चाहता, मौत का नाम नहीं लेना चाहता। लेकिन मौत कोई नुकसानदायी नहीं है, मृत्यु कोई भयावह नहीं है। यह तो अनेक बार कहा गया है कि यदि आदमी अपनी मौत को याद रखे कि एक दिन मुझे इस संसार से जाना है, जैसे पहले के लोग चले गए हैं ऐसे मुझे भी एक दिन यह संसार से जाना है, ये बात उसके दिमाग में बराबर बनी रहे तो आदमी जानबूझकर कभी गलत काम नहीं करने पाएगा। सोचेगा जब जाना ही है मुझे मौत में यहां से तो गलत काम क्यों करूं, किसी को दुख क्यों दूं, किसी को सताऊं क्यों, किसी को पीड़ा क्यों पहुंचाऊं, किसी का हक क्यों छीनूं, ये नाला खुरापात कर रहा हूं इस सब में क्यों लगूं, चाहे जैसे उल्टा सीधे कर्म करके मैं धन आदि बटोर लूं तो एक दिन तो इन सब से संसार छूट जाएगा, मौत आएगी और सब ये छूट जाएगा। तो आदमी इस ढंग से अपनी मौत को याद रख ले तो बहुत कुछ आदमी गलत कर्मों से बच सकता है, अनेक पाप कर्मों से आदमी बच सकता है। सावधान तो रहेगा, फिर जानबूझकर गलत काम नहीं करेगा। आदमी तो इधर इस तरफ से आंखें बंद कर लेता है,
आंखें मिच लेता है, उसे यह मान लेता है कि मुझे तो सदाकाल यहां रहना है। अब जब सदाकाल रहना है तब फिर आदमी ऐसे ऐसे कर्म करता है कि जिन कर्मों को देखकर शैतान भी आश्चर्यचकित रह जाएगा। आदमी ये गिरने की कोई सीमा थोड़े है, आदमी कहां तक गिर जाएगा इसकी कल्पना करना भी संभव नहीं है। कि प्रत्यक्ष ही देखा जाता है कि आदमी कहां से कहां पहुंच जाता है। लेकिन आदमी चाहे तो अपने को इस ऊंचाई तक उठा सकता है जिसे लोग भगवान का स्वरूप कहते हैं, वहां तक उठा सकता है। आदमी के गिरने की कोई सीमा नहीं है तो आदमी के उठने की भी कोई सीमा नहीं है। उच्चतम स्थिति तक आदमी अपने को उठा सकता है, और वह आदमी भी उठा सकता है जो निम्नतम स्थिति तक गिर चुका है। गिरने की जो सीमा है वहां तक यदि जो आदमी गिरा हुआ है यदि वह चेत जाए, सावधान हो जाए, तो अपने को ऐसा उठा सकता है कि वह उच्चतम स्थिति तक पहुंचकर भगवान के विशेषण को अपने जीवन में लगा सकता है। आखिर हम जिन्हें भगवान कहते हैं वे भी तो इंसान ही तो थे, चाहे राम को कहें, कृष्ण को कहें, बुद्ध को कहें, महावीर को कहें या अन्य किसी और को कहें, वे कोई अलौकिक थोड़े थे। वे भी तो इसी धरती पर जन्मे थे और इस धरती पर जैसे इसी धरती पर जीवन जिए थे। उनके कुछ कर्म ऐसे हुए जिनके कारण वे हजारों हजारों लोगों के पूज्य और श्रद्धेय बन गए, लोगों ने उन्हें भगवान कह दिया। तो आदमी के गिरने की सीमा नहीं है तो उठने की भी सीमा नहीं है, दोनों में आदमी समर्थ है। लेकिन आदमी अपनी मौत को याद करता रहे तो आदमी अपने को गलत कामों से, पापों से बहुत बचा सकता है और सत्कर्मों में लग सकता है। सोचे कि जब मरना ही है तो फिर अच्छे काम करके क्यों ना मरूं, बुरे काम करके मरने की क्या जरूरत। तो यहां साहब कहते हैं मुआ है मर जाओगे। जैसे दुनिया में आज तक पहले के लोग मर मर कर चले गए हैं, इसी प्रकार तुम भी एक दिन यहां से विदा हो जाओगे। और ये भी समझने की बात है, दुनिया में जितने लोग हैं किसी को अपने जन्म का अनुभव नहीं है, और किसी को अपने मौत का भी किसी को अपनी मौत का भी अनुभव नहीं है। कौन आदमी कह सकता है कि मुझे अपने जन्म का अनुभव था कि जब मैं पैदा हुआ तो अमुक अमुक लोग, अमुक स्त्रियां वहां बैठी हुई थी, अमुक कमरे में अमुक समय मेरा जन्म हुआ, अमुक समय वही स्थिति थी। कोई अपना अनुभव बता सकता है जब पैदा हुआ तब? अपने जन्म का अनुभव किसी को नहीं है, लेकिन हमें विश्वास है कि हम पैदा हुए हैं। क्यों? चूंकि देख रहे हैं कि मनुष्य का बच्चा पैदा होता है, आज तो आज से तमाम बच्चे पैदा हो रहे हैं, ऐसे हम भी पैदा हुए। कोई आदमी आकाश पर आकाश से टपकता नहीं, पृथ्वी पर तो पैदा होता नहीं है। जैसे आज बच्चे माँ बाप माँ के गर्भ से पैदा हो रहा है, ऐसे हमारी पैदा से भी एक दिन। तो संसार की स्थिति को देखकर हम अंदाज लगा सकते हैं और अंदाज लगाते हैं, लेकिन हमारे हमको स्वयं अपने जन्म का अनुभव नहीं है। ऐसे ही किसी व्यक्ति को अपनी मौत का अनुभव नहीं है, क्योंकि इस जीवन में आज तक मौत हुई ही नहीं है, तो है अनुभव किसका कैसे होगा? अनुभव तो उसी का होता है जिसका जिससे हमारे स्पर्श हुआ हो, जो जीवन से गुजरा हुआ हो। मौत आज तक जीवन से गुजरी ही नहीं है, और जब मौत गुजर जाएगी तब अनुभव करने के लिए हम रहेंगे भी नहीं। लेकिन चूंकि दुनिया में लोग मर मर करके जा रहे हैं, जैसे और इंसान की मौत होती है, उसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि हमारी भी मौत एक दिन अवश्य हो जाएगी। लेकिन मौत जब होनी होगी तब होनी होगी। मौत आने के पहले हमें क्या करना है, हमें को इस पर सोचना है। मौत आने के पहले अपने जीवन को चाहे हम बिगाड़ लें चाहे बना लें, दोनों में हमारी स्वस्थता है, हम विवश नहीं हैं
अपने जीवन को बनाएं या बिगाड़ें, हर तरह से स्वस्थ हैं। बनाते हैं तो सुखी रहेंगे, बिगाड़ते हैं तो दुखी रहेंगे। साहब ने एक साखी में एक कहा है, अच्छा जन्म बनाओ, जन्म को अच्छा बनाओ। जन्म को अच्छा बनाने का अर्थ यह नहीं है कि बहुत बड़ा मकान हो जाए, बहुत रुपये पैसे हो जाए, बड़ा पद मिल जाए, बड़ी प्रतिष्ठा हो जाए, खूब मान सम्मान मिल जाए, या अन्य कुछ और भौतिक ऐश्वर्य संपन्न हो जाए। इन सब का यदि विकास होता है तो हम एक प्रकार से कह सकते हैं संसारिकता का विकास, संसारिक ऐश्वर्यों का विकास हो रहा है। हमारे अपने जीवन का विकास कहाँ हो रहा है? जीवन का विकास तो तब होता है जब हमारे जीवन में संयम आ जाए, सदाचार आ जाए, सद्गुण आ जाए, सेवा की भावना आ जाए, सहकार की भावना आ जाए। ऐसा जीवन जिए कि हमारे द्वारा औरों को कष्ट न हो, किंतु हमारे कर्मों से, हमारी रहनी से, हमारी उपस्थिति से लोगों के मन में प्रसन्नता हो, हर्ष हो, आनंद हो, तब कहा जा सकता है कि हमारा जीवन अच्छा बन रहा है या अच्छा बना हुआ है। और ऐसा जीवन बनाना हमारे अपने ऊपर निर्भर है। हम चाहें तो ऐसा अपना जीवन को बना सकते हैं, केवल इसके लिए सोचना है बस। इसके लिए धन की जरूरत नहीं है, इसके लिए कोई बड़ी विद्या की जरूरत नहीं है, कोई बड़ा पद की जरूरत नहीं है। दुनिया में जो संत हुए हैं, जिनकी याद आज हम बड़ी श्रद्धा के साथ करते हैं, उन संतों के पास क्या था? बहुत धन, बड़ा पद या अन्य कोई बाहरी ऐश्वर्य? उनके पास था उनके अपने सद्गुण, उनके अपने शुभाचार, उनके अपने दिव्य रहनी, और इसीलिए वे पूज्य बन गए। दुनिया में आज तक जो कोई भी पूज्य हुआ है तो धन के नाते, पद के नाते, विद्या के नाते पूज्य नहीं हुआ है, पूज्य हुआ है अपने शुभाचरणों के नाते, अपने सद्गुणों के नाते, परसेवा के नाते। तो इसके लिए धन विद्या की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है केवल सोचने की और उस दिशा में चलने की। साहब कहते हैं कि मुआ है मैं जाओगे मुए की बाजी ढोल। जैसे पहले के लोग इस संसार से एक एक करके उठ गए हैं, ऐसे ही तुम भी एक दिन यहां से उठ जाओगे। लेकिन आज जिन लोगों की मोह में पड़कर, जिन वस्तुओं के लोभ में पड़कर जीवन के उद्देश्य को तुम भूल गए हो, या जो प्राप्त वस्तुओं का अहंकार कर रहे हो, एक दिन तुम्हारा संबंध उनसे नहीं रह जाएगा। सब उदाहरण देते हैं कैसे। सपन सने ही जग भया। हम रात्रि में सोते हैं तो सपना देखते हैं, सपना में हमें बहुत कुछ मिलता है। हम कभी कभी बहुत दरिद्र और दुखी हो जाते हैं, कभी बहुत संपन्न और सुखी हो जाते हैं। जागने पर न तो सपने का वो दुख है रहता है और न ही वह दृढ़ता रहती है। इसी प्रकार सपने की न वो संपन्नता रहती है और न वह सुख रहता है। हम जैसे हैं वैसे रह जाते हैं। गोस्वामी जी ने दोहावली में एक दोहा कहा है, सपने होई भिखार इंद्रिप रंक नाक पति होए, जागे हानि लाभ कछु तिमी प्रपंच जग सोए। सपने होए भिखारी नृप, सपने में राजा भिखारी हो जाता है, रंक नाक पति होए, और जो अत्यंत रंक है, दीन दरिद्र है, वह नाकपति, नाक का अर्थ है स्वर्ग, स्वर्ग का मालिक इंद्र बन जाता है। लेकिन जब राजा और भिखारी दोनों जगते हैं तब न राजा की कोई हानि हुई है और न उस रंग का कोई लाभ हुआ है। तिमी प्रपंच जग सोए, गोस्वामी जी कहते हैं ऐसे ही संसार का प्रपंच है, ये बस एक सपना चल रहा है।
बस फर्क इतना है, रात में हम जब सपना देखते हैं तो सोकर देखते हैं, आंख बंद करके देखते हैं। जीवन का सपना जागते हुए देख रहे हैं, आंखें खोलकर देख रहे हैं। किसी व्यक्ति को क्या कभी यह लगता है जब वो सपना देखता है, क्या यह लगता है कि यह झूठ है, मैं सपना देख रहा हूं? उसे यह लगता है कि बिल्कुल यथार्थ है, यथार्थ में मैं जी रहा हूं। जब सपना टूट जाता है, जब जागते हैं, तब उस सपने की याद होती है। ऐसे ही आज जो सपना हम आंख खोल करके देख रहे हैं, यह भी लगता है कि यह सब कुछ ऐसे ही रहेगा, कभी यह बिछड़ेगा नहीं, कभी इसका विनाश नहीं होगा। लेकिन एक दिन जब आंख बंद हो जाती है, जब एक दिन आंख बंद हो जाएगी, तब यह आंख खोलकर जो सपना देख रहे हैं, यह सपना टूट जाएगा। आंख बंद करके जो सपना देखते हैं, वह सपना आंख खुलने पर टूटता है। आंख खोलकर जो सपना देख रहे हैं, वह सपना आंख बंद होने पर टूट जाएगा। लेकिन सोते समय जो सपना देखते हैं, उसकी तो याद होती है। और कोई कोई सपना ऐसा भी हो जाता है कि आदमी दो दिन, चार दिन, सप्ताह भर तक याद करता है कि अमुक दिन मैंने ऐसा सपना देखा। ये जो जीवन का सपना चल रहा है, जीवन की रील जो घूम रही है, यह सपना जब टूट जाएगा, तब इस सपने की कभी याद नहीं होगी, ये सदा के लिए भूल जाएगा। और हम इन्हीं का अहंकार करते हैं, इन्हीं के अहंकार में अपने को इतना भूल जाते, इतना भूल जाते हैं कि होश हवास ही नहीं रहता है कि जीवन क्यों मिला है और क्या करना चाहिए और मैं क्या कर रहा हूं। आदमी इतना गाफिल हो जाता है कि सोचता ही नहीं है। इतिहास को उठाकर देख लेते, आदमी इतिहास पढ़ता ही है, इतिहास उठाकर देख ले आदमी कि कैसे कैसे लोग दुनिया में आए और कैसे कैसे उन्होंने अत्याचार किया, कितने खुराफात किया, कितने खून खराबा किया, इस संसार की संपत्ति को अपना बनाने के लिए क्या क्या अनर्थ नहीं किया, वे आज कहां रह गए? हिटलर, मुसोलिनी, नादिर शाह, तैमूर लंग, इन लोगों ने दुनिया को अपना बनाने के लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन आज क्या वे रह गए? सिकंदर चला था यूनान से और भारत तक आ गया था, लाखों लाखों लोगों की हत्या की, कितनी महिलाओं को विधवा बना दिया, कितने को क्या किया, क्या सब कुछ अत्याचार किया, लेकिन क्या वो सिकंदर आज रह गया? ऐसे और किसी को ले ले, जब महमूद गजनवी भारत पर अनेक बार हमला किया, 17 बार हमला किया, और जब उसके पश्चात जब सोमनाथ को लूटा और लूटकर जब अपने यहां वापस लौटा, अंत समय में जब हुआ उसका, अब लगा कि अब मेरी मौत हो जाएगी, तब उसने कहा कि मुझे वहां ले चलो जहां तिजोरियों में हीरे, पन्ने, पुखराज आदि रत्न भरे हुए हैं। और जब महमूद गजनवी को वहां ले जाया गया तो उन्होंने सारी तिजोरियों को खुलवा दिया और दोनों हाथ को पसार कर उन रत्नों को पकड़ते हुए कहा कि हाय, इन काले, पीले, पीले, हरे, नीले पत्थरों के कारण मैंने कितने लोगों को की हत्या की, क्या क्या नहीं किया, लेकिन आज ये सब कुछ छूट रहा है। उनका ही नहीं, हमारा भी छूटेगा। ऐसे बड़े बड़े अत्याचारी चले गए जिन्होंने ने बहुत कुछ बटोरा और अब किसी का कुछ रह नहीं गया, तो हमारा क्या रहेगा? वो उदाहरण जो यहां से संतगण कभी कभी दिया करते हैं, इस संदर्भ में भी बड़ा मार्मिक है और हमारी आंखें खोलने वाला है। कुछ मित्र बैठे थे, आपस में चर्चा कर रहे थे। चर्चा करते करते एक ने कहा, जानते हो मेरे दादा जब मरे थे तब 10 लाख रुपए की संपत्ति छोड़कर मरे थे। दूसरे मित्र ने कहा, बस जब मेरे दादा मरे थे तब 10 करोड़ की संपत्ति छोड़कर मरे थे। तीसरे मित्र ने कहा, भाई मैं क्या बताऊं, जब मेरे दादा मरे थे
तो पूरी दुनिया को छोड़कर मरे थे। तो ये तो एक वास्तविकता है। और ये भी समझना होगा, जिसके पास जितना रहता है उसके पास उसके लिए उतना सर्वस्व होता है। जैसे एक करोड़पति के लिए करोड़ों रुपया सर्वस्व है, वैसे एक लखपति के लिए लाख रुपया सर्वस्व है। तो ऐसे एक भिखारी के लिए उसके पास 10-20 जो रुपये बचे हुए हैं उसके पास झोली में, वही सर्वस्व है। और हर आदमी मरता है तो अपना सर्वस्व को छोड़कर ही मरता है। तो साहब कहते हैं, स्वप्न से नहीं जग वैसे दानी रहेगा। और किसी को समझते नहीं, वे सारे के सारे सपने में मिले हुए प्रेमी के समान है। सपने में प्रेम मिलता है, मिलते हैं, बड़ा मोह होता है, जागते हैं तो उनमें से कोई सांस नहीं रहता। संतगण इस संदर्भ में उदाहरण दिया करते हैं। एक राजा था, उसका एक इकलौता पुत्र था, युवा अवस्था में अचानक बीमार पड़ गया। बड़ी चिकित्सा हुई लेकिन बचने की कोई उम्मीद नहीं रह गई। और एक दिन ऐसा लगा कि आज इसका अंतिम दिन है। ऐसे रात्रि के समय राजा और रानी दोनों अपने उस इकलौते पुत्र के समक्ष बैठे हुए थे। वो पुत्र बेहोश पड़ा हुआ था। कई दिनों से राजा और रानी सोए नहीं थे। थोड़ी देर के पश्चात राजा को झपकी लगी तो सपना देखने लगा। सपना में राजा देखता है कि मैं एक बहुत बड़ा राजा हूं और बहुत दूर दूर तक मेरे राज्य का विस्तार है। मेरे साथ जवान पुत्र हैं जो हर प्रकार से योग्य है और मैं बड़ा आराम के साथ बहुत आराम चैन के साथ मेरा जीवन बीत रहा है। और राजा ऐसा सपना देख रहा है। इधर अचानक उसका जो पुत्र बीमार पड़ा था उसकी मौत हो जाती है। मरणासन था ही, मौत हो जाती है। पुत्र की मृत्यु देखकर रानी जोरों से विलाप करती है। रानी के विलाप से राजा का सपना टूट जाता है। राजा देखता है कि पुत्र मरा पड़ा है। एकदम राजा चुपचाप बैठ जाता है। रानी विलाप कर रही है, राजा चुपचाप बैठा हुआ है, बिल्कुल गंभीर विचारमग्न बैठा हुआ है। रानी देखती है कि इकलौता पुत्र, आज उसकी मौत हो गई और ये पिता राजा यहां बैठा हुआ है, इसकी आंखों से एक बूंद आंसू भी नहीं है। रानी कहती है, क्या तुम्हें पुत्र के लिए मोह नहीं था? क्या पुत्र के मरने से तुम्हें दुख नहीं हो रहा है कि तुम्हारी आंखों से एक बूंद आंसू भी नहीं है? राजा ने कहा, यही तो मैं सोच रहा हूं कि मैं किसके लिए रोऊं, इस इकलौते पुत्र के लिए रोऊं कि या अभी मुझे थोड़ी देर पहले 7 पुत्र मिले हुए थे उनके लिए रोऊं। राजा ने कहा, 7 पुत्र कहां, हमारा तो इकलौता पुत्र ही था, 7 पुत्र कहां से आ गए? राजा ने कहा, अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारे जब तुम मिलाप करने लगे उस थोड़ी देर पहले मैं सपना देख रहा था कि मैं बहुत बड़े राज्य का मालिक हूं, मेरे 7 जवान जवान पुत्र हैं और हर प्रकार से आज्ञाकारी हैं, हर प्रकार से योग्य हैं और उनके बीच में बहुत आनंदित हूं। तुम्हारे विलाप से मेरा सपना टूट गया और वे 7 पुत्र मुझसे बिछुड़ गए। रानी ने कहा, अरे वह तो सपना था इसलिए टूट गया और उन पुत्रों से वियोग हो गया। राजा ने कहा, यदि यह यथार्थ था तो इस पुत्र से वियोग क्यों हो गया? क्या यह भी प्रकार सपना नहीं है? अर्थ यह है कि जो कुछ हमें मिला हुआ है आज संसार में वे अहंकार करने के लिए नहीं मिले हुए हैं, किंतु जीवन निर्वाह के लिए और सेवा के लिए मिले हुए हैं। जो हमारे पास है, धन संपत्ति बल विद्या बुद्धि शासन स्वामित्व या अन्य कुछ और योग्यताएं, वे अहंकार के लिए नहीं है किंतु सेवा के लिए है। अपना जीवन जिए और दूसरों की सेवा करें।
इसी में इन सबकी सार्थकता है। ठीक से जीवन निर्वाह नहीं लिए, दूसरों की सेवा नहीं लिए, तो जो मिला वो सब तो अंत में छूटना ही छूटना है। और परिणाम क्या होता है साहब ने इसलिए आगे कहा, सहदानी रहेगो बोल, तुम्हारे न रहने पर तुम्हारे पीछे क्या रह जाएंगे, केवल तुम्हारी बोल। यहां बोल से तात्पर्य वाणी नहीं किंतु अच्छे बुरे कर्म। आदमी जब नहीं रहता है, उसकी मौत हो जाती है, तब लोग उसके अच्छे बुरे कर्मों की याद करते हैं। जैसा वो कर्म किया रहता है उसी को लोग याद करते हैं। अच्छे कर्म है अच्छे अच्छे ढंग से याद करते हैं, बुरे कर्म है बुरे ढंग से याद करते हैं। जैसे पूर्व प्रवक्ता कह रहे थे, राम की भी याद लोग करते हैं, रावण की भी याद करते हैं, कृष्ण की भी याद करते हैं, कंस की भी याद करते हैं। लेकिन जरा आदमी सोचे, राम की याद जब होती है, कृष्ण की याद जब होती है, तब उस समय मन में जो भाव होता है वह भाव कैसा होता है? रावण की याद होती है, कंस की याद होती है, उसमें मन में जो भाव होता है वह भाव कैसा होता है? क्या दोनों का भाव एक बराबर होता है? क्यों जो श्रद्धा राम और कृष्ण की याद होने पर होती है, क्या वही श्रद्धा कंस और रावण की याद होने पर होती है? कहां वैसे श्रद्धा रह पाती है? आदमी तो आदमी याद जैसे राम आदमी वैसे रावण आदमी, जैसे कंस आदमी वैसे कृष्ण आदमी, लेकिन दोनों की याद में इतना अंतर क्यों हो गया? कहां से अंतर आया? केवल कर्म से अंतर आया। साहब कहते हैं, तुम नहीं रहोगे तब तुम्हारी सहदान तुम्हारी पहचान केवल तुम्हारी कर्म रह जाएंगे। इसलिए जीवन को बहुत संभाल कर जियो। कोई कर्म कर रहे हो बहुत संभाल कर करो। किसी कर्म को करने के पहले यह सोचो कि जो काम मैं करने जा रहा हूं क्या अभी वो काम आवश्यक है? उस काम का परिणाम मेरे अपने लिए, परिवार के लिए और समाज के लिए कैसा होगा? यदि आदमी इस चीज पर विचार कर ले तो कभी वो गलत काम नहीं कर पाएगा। हम तो जोश में काम करते हैं, स्वार्थ में पढ़कर काम करते हैं और अहंकार में पढ़कर काम करते हैं। जोश में, स्वार्थ में और अहंकार में पढ़कर किए गए सारे कर्म हमारे अपने लिए और दूसरों के लिए दुखप्रद ही होंगे, क्योंकि जोश में होश नहीं रहता, स्वार्थ में होश नहीं रहता, अहंकार में भी होश नहीं रहता। तीनों में हमारा होश गायब हो जाता है। और जब होश ही नहीं है, बेहोश होकर हम काम कर रहे हैं, तो वह काम कैसा होगा इसको बताने के लिए बहुत आवश्यकता नहीं है। इसलिए साहब कहते हैं, किसी काम को करने के पहले सोचो और विचारो वह काम कैसा है, उसका परिणाम क्या होगा, और उसी काम के परिणाम के आधार पर तुम्हारी याद लोग करेंगे कि उन्होंने अच्छा काम किया या बुरा काम किया। साहब एक साखी और है, साहब ने कहा है, धन रहे न जोबन रहे, रहे गांव न ठाम, कबीर जग में जस रहे, कर दे किसी का काम। न धन रहता है, न जवानी रहती है, न गांव रहता है, न स्थान रहता है। जिस आश्रम में और इस आश्रम के जिस कमरे में, जिस हाल में बैठ करके हम यहां पर अभी चर्चा कर रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा 100-150 साल पश्चात कि आश्रम बियाबां हो सकता है, ये मकान मिट्टी में मिल सकता है। क्या मिलेगा? निश्चित है। 100 साल नहीं लगेगा तो 200-300 साल के बाद ये स्थिति आएगी। लेकिन इस आश्रम में रहने वाले संत यदि ठीक से जीवन जीते हैं और अपने आश्रम से ठीक से रहते हैं और कुछ पर सेवा का काम करते हैं, तो इस आश्रम के न रहने पर भी यहां के लोगों, इस आश्रम में रहने वाले संतों की याद लोग क्या करेंगे? तो बाहरी कुछ नहीं रहता, रहता केवल नाम है। इसलिए साहब कहते हैं, कबीर जग में जस रहे, कर दे किसी का काम, केवल यश रह जाता है।
और वही तो आदमी की पूंजी है। इसलिए बहुत संभाल कर काम करने की जरूरत है। साहब ने अन्यत्र एक जगह कहा है, जो तू आया जगत में तो ऐसा कर ले, कर साहेब की बंदगी, भूखे को कुछ दे। इस संसार में तुम आए हो तो ऐसा करो, इतना ही कर लो, साहेब की बंदगी करो और भूखों को कुछ दे दो। साहेब इष्ट स्वामी मित्र ईश्वर परमात्मा कुछ भी कह लें, जो जिस जहां तुम्हारी श्रद्धा है, जिसको तुम इष्ट मानते हो, उसकी याद करो, उसका स्मरण करो, और जो अभावग्रस्त मिल जाए उनकी कुछ सेवा कर दो बस। और आदमी इतना कर ले, जहां भी रहेगा आदमी परम सुखी रहेगा, परम संतुष्ट रहेगा, शांत रहेगा। सुख और सुख धन से नहीं मिलता, हमारी ये भूल है। आज जो आदमी अनैतिकता पूर्वक धन कमाने के चक्कर में पड़ा हुआ है, नीति अनीत ये कुछ परवाह नहीं कर रहा है, उसका कारण क्या है कि हमने सुख को धन से जोड़ दिया है। ये मान लिया कि जब धन बढ़ जाएगा तब हम अधिक सुखी हो जाएंगे, लेकिन धन से और सुख से कोई संबंध नहीं है। बिना धन के आदमी सुखी रह सकता है और धनवान आदमी भी दुखी रह सकता है, और रह सकता क्या है ही, प्रत्यक्ष ही देखा जा रहा है। एक से संपन्न आदमी है जो बड़े दुखी हैं। गुरुदेव जी उदाहरण दिया करते हैं, आज से दो तीन साल पहले की बात है, दिल्ली में गुरुदेव जी का कार्यक्रम था। मिलने के लिए, गुरुदेव से मिलने के लिए एक दंपत्ति आए, पति पत्नी दोनों 65 साल की उम्र, दोनों पूरी तरह से बैठ नहीं पाए थे, और दोनों के मुख से एक ही आवाज निकली कि महाराज जीवन में सुख नहीं मिला। और दोनों दंपत्ति करोड़पति थे। गुरुजी ने कहा, तुम तो करोड़पति हो, तुम्हारे पास तो पैसे की कमी नहीं है, कुछ लाख रुपए ले लो और इस पूरे दिल्ली शहर में घूम आओ, किसी दुकानदार से बड़ा जो व्यापारी हो उसे पूछो, भैया कि एक 2-4-6 लाख रुपए ले लो, पाव डेढ़ पाव हमें सुख दे दो। कहां मिलेगा सुख? तो सुख धन से नहीं मिलता, सुख मिलता है अच्छी समझदारी से, सुख मिलता है जीवन को ठीक से जीने से। और इसी का कायदा, इसी करनी, इसकी विधि हमें ज्ञात नहीं है। हम केवल बाहर दौड़ रहे, हमने लक्ष्य बना लिया है कि अधिक से अधिक हम धन कमा लें। आज चारों तरफ आपाधापी क्यों पड़ी हुई है? कैसे कैसे लोग अनर्थ नहीं कर रहे हैं, क्या क्या कुकर्म नहीं हो रहा है धन के लिए, खाने पीने की चीज में, यहां तक दवाई तक में भी जो मिलावटबाजी हो रही, क्यों हो रही है? केवल धन के लिए। और ऐसा करने वाले लोग क्या सुखी हैं? उसका अंतर कितना जल रहा है? तो साहब कहते हैं, अपने इष्ट की याद करो और अभावग्रस्तों की सेवा कर दो, बस ऐसे इतना इतना कर लो। जहां रहोगे, जिस स्थिति में रहोगे, सुखी रहोगे, शांत रहोगे। साहब कहते हैं, सैदानी रही गो बोल, तुम्हारे पीछे तुम्हारी पहचान रह जाएगी, तुम्हारे अच्छे बुरे कर्म। इसलिए शुभ कर्म करने की आवश्यकता है। हम शुभ कर्म न कर पाए कोई जरूरत नहीं है, इतना कर लें कि अशुभ कर्म हमसे न होने पाए। आदमी जीवन पर्यंत अपने आप को गलत कर्मों से बचा ले, बहुत बड़ी बात है, इतना ही पर्याप्त है। हम दूसरों की सेवा नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, कोई जरूरी नहीं सेवा करने की। हम दूसरों को दुख ना दें, बस सेवा हो जाएगी। सेवा नहीं कर सकते, हमारे पास धन नहीं है, समय नहीं है, शक्ति नहीं है, और कोई ऐसी योग्यता नहीं है, हम सेवा नहीं कर सकते। कोई आदमी ऐसा कह सकता है, महाराज आप सेवा की बात कहते हैं, हमारे पास तो योग्यता नहीं, हम सेवा नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, सेवा मत करो। और हम तो कहते हैं, सेवा करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है,
कोई आदमी दुनिया में जितने लोग हैं किसी को किसी प्रकार से दुख न दे तो सेवा का आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। यहां तो लोग सेवा तो कर ही नहीं पाते, दुख देने को तत्पर हैं, कमर कसे हुए हैं दुख देने के लिए, कोई मतलब नहीं है, न जान है न पहचान है, बस रास्ता चल रहे हैं। देखा किसी को अपशब्द कह दिए, गाली दे दिए, किसी की वस्तु छीन लिए, तब आदमी सुखी कैसे रह पाएगा फिर? न तो स्वयं सुख से रहता है, न सुख से रहने नहीं देता है। तो आदमी अपने आप को जीवन पर्यंत गलत कर्मों से बचा ले जाए, यह बहुत बड़ी बात है। उसके पश्चात जैसी योग्यता हो, जैसी शक्ति हो, जैसा समय हो, वो ढंग से शुभ कर्म में लगे, जितना करता चलेगा करता चलेगा कुछ तो करेगा आदमी। और यह जो कर लेगा आज, वह इस जीवन में सुख देगा और हमारे न रहने पर भी लोग उन्हीं कर्मों के आधार पर हमारी याद करेंगे। इसलिए किसी कवि ने बहुत सुंदर ढंग से कहा है, जीना ऐसा जीना हो जी न कोई तड़फाए तू, मरना ऐसा मरना हो मर कर फिर न आए तू, जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिलशाद तू, तू न हो दुनिया में तो दुनिया को आए याद तू। जीवन को सही ढंग से जीने की कला यह है। और उसी पर कबीर साहब की वो साखी याद करें, कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। स्वाभाविक बात है, आदमी का बच्चा कहीं भी पैदा होगा तो रोते हुए पैदा होगा। पूरी दुनिया में आदमी ही एक ऐसा जानवर है जिसका बच्चा रोते हुए पैदा होता है। आदमी को छोड़कर पूरी दुनिया में कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो रोते हुए पैदा हो। और रोते हुए जन्मना मजबूरी है, एक प्रकृति का विधान है, इसको हम बदल नहीं सकते। लेकिन रोते हुए जीवन जिए ये कोई प्रकृति का विधान नहीं, कोई मजबूरी नहीं है। हर आदमी तो रोते हुए जी रहा है, ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ, ये शिकायत या तो वो शिकायत, ये शिकायत ये नहीं मिला नहीं वो नहीं मिला, शिकायत 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 हर आदमी की शिकायत है। इस शिकायत करते करते जीना ये भी तो रोते हुए जीना है। आदमी रोते रोते जन्मता है, शिकायत करते करते जीता है और पछताते पछताते मरता है। कैसी जिंदगी हो गई आदमी की, कैसे कैसे आदमी ने अपने जीवन को बिगाड़ लिया। ये जीवन शिकायत करने के लिए नहीं मिला हुआ है, ये जीवन पश्चाताप करते करते मरने के लिए नहीं मिला हुआ है, किंतु हंसकर मरने के लिए मिला हुआ है। और वो तब होगा जब इस जीवन में जो करना चाहिए था वो हम कर लेंगे तब। तो मनुष्य का बच्चा रोते हुए पैदा होता है, पूरी प्रकृति में रोने वाला प्राणी कोई है तो आदमी है, लेकिन पूरी प्रकृति में पूरे संसार में हंसने वाला कोई प्राणी है तो आदमी है। आदमी को छोड़कर आपने किसी अन्य जानवर को हंसते हुए कभी देखा नहीं होगा। आदमी रोता भी है तो हंसता भी है। दुर्भाग्य यह कि आदमी के जीवन से हंसना तो दूर हो गया, केवल रोना ही रोना रह गया है। हमारा यह रोना हंसने में कैसे बदले, इसी के लिए सोचना है। जितने ये पूजा पाठ हैं, जितने ही प्रकार के मंदिर मस्जिद आदि गुरुद्वारा बने हुए हैं, जितने मतपंथ बने हुए हैं, और जो कुछ भी आप कर्मकांड ले धार्मिक कर्मकांड, सबको मूल उद्देश्य यही है कि आदमी के जीवन से रोना दूर हो और हंसना जीवन में आ जाए। स्वर्ग जब मिलेगा तब मिलेगा। स्वर्ग क्या लोग कल्पना करते हैं, मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, ये पूजा कर लेंगे, ये पाठ कर लेंगे, ऐसा कल हवन कर लेंगे, इस प्रकार से परमात्मा का नाम लेंगे, स्वर्ग मिल जाएगा, मरने बाद मोक्ष मिल जाएगा, भगवान मिल जाएगा। कोई जरूरत नहीं स्वर्ग पाने की, कोई जरूरत नहीं भगवान पाने की। आवश्यकता है जीवन को ठीक से जीने की। जीवन ठीक से जी ले
हम सुखी हैं औरों को आनंदित करें, इससे बढ़कर सुख, इससे बढ़कर स्वर्ग और कहां मिलेगा। स्वर्ग की कल्पना लोग क्यों करते हैं कि स्वर्ग में सब सुख, स्वर्ग में सुख ही सुख है, तो उस स्वर्ग को अपने जीवन में उतार लें, हम स्वयं सुखी रहें, अपने आसपास लोगों को सुख बांटते फिरें, इस जीवन में स्वर्ग का सुख मिल रहा है। तो जितने भी प्रकार के पूजा पाठ हैं, हवन तर्पण हैं या कुछ धार्मिक कर्मकांड हैं, उन सब की उपयोगिता इसीलिए है कि आदमी के जीवन से दुख दूर हो, आदमी का रोना दुख हो, आदमी का जो रोना है यह दूर हो, और आदमी के जीवन में हंसना आ जाए, आदमी के जीवन में सुख आ जाए, आदमी के जीवन में शांति आ जाए। और यह सब किसी के देने से नहीं होगा, किसी के आशीर्वाद मात्र से नहीं होगा, यह सब होगा हमारे अपने कर्मों के परिणाम से। जो ज्ञान की बातें हम जानते हैं, जो शुभाचार की बातें जानते हैं, उनको अपने जीवन में उतारें, उनको उतार लेंगे, सुखी हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, और फिर इसकी याद लोग बाद में किया करेंगे। तो कबीर साहब इस साखी में ही बताते हैं, मुआ है मर जाओगे मुए की बाजी ढोल, सपंत नहीं जग भया थे दानी रहेगा बोल। जैसे पहले के लोग मर मर कर इस दुनिया से चले गए हैं, ऐसे ही एक दिन तुम भी यहां से चले जाओगे। साहब कहते हैं यहां ऐसा कहकर साहब हमें शिक्षा देते हैं, जब मर कर जाओगे तो कोई गलत काम जीवन में मत करो, और जो मिला हुआ है जिनका तुम्हें अहंकार करते हो उनका अहंकार भी मत करो, क्योंकि उनसे तुम्हारा एक दिन वियोग हो जाएगा। कब जीवन में कैसी स्थिति आ जाएगी कुछ पता नहीं है। आज जो धनपति है उसके जीवन में ऐसी स्थिति आ सकती है कि वह कल रास्ता का भिखारी बन जाए। बहुत बड़े बड़े से हैं, बड़े बड़े सेठ अपने जीवन के अंत में दिवालिया हो गए, कुछ उनके पास रहा नहीं, और बड़ी बड़ी संपत्ति अचानक कहां चली गई कुछ पता चलता नहीं है। जिनके हंगामों से थे आबाद बिराने कभी, शहर उनके मिट गए आबादियां बन हो गई। ये तो निरंतर परिवर्तन चल रहा है, नदी कहीं जब चलती है, नदी की धारा चलती है तो कहीं काटती है कहीं पाड़ती है। इसलिए यह मत सोचो कि जो आज मिला हुआ है सब समय ऐसे बना रहेगा, जो मिला है उसका केवल उपयोग कर लें बस, और उसको जो सदुपयोग कर लें तो न रहने पर हमने जो सदुपयोग किया है, अच्छे अच्छे जो कर्म किए हैं उनकी याद लोग करेंगे। साहब कहते सोचो अपने न रहने पर तुम क्या चाहते हो, अच्छी चर्चा चाहते हो कि बुरी चर्चा चाहते हो। यदि चर्चा चाहते हो उस रास्ते काम करो, और काम करने में आदमी सर्वथा समर्थ है, स्वतंत्र है। हमारा कर्तव्य है कि हमें आज ये सुनहरा अवसर मिला हुआ है, हम इनका हर प्रकार से सदुपयोग करें और जीवन को इस ढंग से जिए हम स्वयं सुखी रहें, और जहां हम रहें जिन लोगों से मिले जुलें, अपने व्यवहार से अपने आचरण से उन्हें भी सुख पहुंचाने की चेष्टा करें, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। बस लिट्टी चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचान कोई, दो दिन का जग में मेला सब चला चली का खेला, दो दिन का जग में मेला सब चला चली का खेला, दो दिन का जग में मेला सब चला चली का खेला, कोई चला गया कोई जावे, कोई गठरी बांध सिधावे, कोई चला गया
कोई जावे कोई गठरी बांधे सिधावे कोई खड़ा तैयार लारे कोई खड़ा तैयार अकेला चला चली का खेला रे दो दिन का जग में मिला सब चला चली का खेला दो दिन का जग में मिला सब चला चली का खेला मात पिता सुत बांधो नारे अंत सहायक नाही मात पिता सुत बांधो नारे अंत सहायक नाही फिर क्यों भरता पाप कठेला रे फिर क्यों भरता पाप कठेला चला चली का खेला रे दो दिन का जग में मिला सब चला चली का खेला दो दिन का जग में मिला सब चला चली का खेला ये तो है नस्वर संसारा भजन तू कर ले प्रभु का प्यारा ये तो है नस्वर संसारा भजन तू कर ले इसका प्यारा ब्रह्मानंद कहे सुन चेला रे ब्रह्मानंद कहे सुन चेला चला चली का खेला रे दो दिन का जग में मिला सब चला चली का खेला दो दिन का जग में मिला सब चला चली का खेला दो दिन का जग में मिला सब चला चली का खेला बोले सतगुरुदेव की जय।